बहुत से ऐसे वाक्यात हुए हैं जो ना होते तो जाने क्या होता, दुनिया का रुख क्या होता, इंसानियत की तारीख क्या आज से अलग होती, अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या होता। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी और इसमें डायनासोर की सारी नस्लें खत्म हो गई थी। लेकिन अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या होता, चलिए जानते हैं। डायनासोर की कुछ नस्लें शायद अपने आप को समंदर में रहने लायक बना लेती, क्योंकि डायनासोर के सारे ही जीवाश्म जमीन पर रहने वाले मिले हैं। बहुत से विशाल डायनासोर आज की वेलों की तरह समंदर को अपना आशियाना बना सकते थे और अंडे देने के लिए जमीन पर आते। इक्थियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस जैसे कुछ डायनासोर ऐसा ही करते थे। अगर जमीन पर हवा में या समंदर में रहने वाले डायनासोर आज भी बचे रहते तो आज के परिंदों या स्तनधारी जीवों का फिर क्या होता। वैज्ञानिक टॉम हॉल्स मानते हैं कि परिंदे तो पहले ही खुद को डायनासोर के साथ रहने के लिए ढाल चुके थे, अब अगर डायनासोर की नस्लें तो उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी विकसित होता। तो क्या आज अगर डायनासोर होते तो उनकी अकल इंसानों के बराबर या उनसे ज्यादा होती। अगर ऐसा होता तो शायद वो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले एलियंस जैसे होते, या शायद ऐसा नहीं होता, हाँ वो आज की गायों, घोड़ों और तोतों जैसे दिखने वाले होते। उनका मुकाबला इंसानों से नहीं दूसरे जानवरों से होता और फिर जो बचे रहते वो इंसानों के साथ आराम से धरती पर रहते। पर ये सब तब होता जब वो एस्ट्रॉइड धरती से नहीं टकराई होती, पर ऐसा हुआ और डायनासोर खत्म हो गए। दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।